भारतीय स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के अवसर पर शनिवार की शाम मानकापुर स्पोर्ट्स स्टेडियम में द्रोणाचार्य अर्जुन शिव छत्रपति पुरस्कार विजेताओं और राज्य और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेताओं का भावनात्मक समारोह आयोजित किया गया। पिछले कई वर्षों में विभिन्न खेलों में नागपुर को गौरव दिलाने वाले एथलीट, कोच, खेल पत्रकार इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। कलेक्टर आर विमला ने प्रत्येक खिलाड़ी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। मंच पर द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता मुनीश्वर खेल उप निदेशक शेखर पाटिल, डॉक्टर विम्स अस्पताल आशीष बड़खल, डॉक्टर नेहा बड़खल, डॉक्टर ईशा कुमारी, जिला खेल अधिकारी पल्लवी धात्रक उपस्थित थी। इस अवसर पर कलेक्टर आर विमला ने कहा कि नागपुर में इतनी बड़ी संख्या में शिव छत्रपति पुरस्कार विजेताओं के साथ बातचीत करके प्रसन्न है। नागपुर राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है, इसके लिए बुनियादी ढांचा और संगठन काम कर रहे हैं। खेल के क्षेत्र में भी अच्छा करियर बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी को संस्कारित करना जरूरी है। अनुभवी एथलीटों को देखने, मिलने और उनके साथ बातचीत करने से उनकी जिम्मेदारी का अंदाजा हो जाता है। इस एक पीढ़ी की कड़ी मेहनत के कारण वे सुविधाओं के अभाव के दौर में नागपुर की प्रतिष्ठा बढ़ाने में सफल रहे, इसलिए जरूरी है कि नई पीढ़ी का इस क्षेत्र में जोश के साथ प्रवेश किया जाए। इस अवसर पर शिव छत्रपति पुरस्कार राज्य एवं राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त करने वाले 30 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज़ नागपुर।